हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। आज मैं लंच में बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी एंड दही वाले चावल, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, जीरा और हींग। गोभी आलू की सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। वैसे दही वाले चावल के साथ तो गोभी आलू की रस वाली सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, ये भी टेस्टी लगती है। फिर उसके बाद मैंने डाला है प्याज। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद डाल देंगे गोभी और आलू। इसमें और भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं आप अपनी पसंद की, बस पर मेरे पास अभी गोभी था तो मैंने गोभी डाल दिया है। गोभी को अच्छे से पहले साफ़ कर लिया, अभी गोभी बहुत गंदी रहती है। बस फिर उसके बाद डाला है नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना। एंड प्याज जब डालते हैं ना तब आप वो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाला है पर आप चाहें तो डाल सकते हैं, टेस्टी लगेगा। बस इसको ढक के पकाएंगे ताकि हमारा गोभी और आलू थोड़ा सा पक जाए। और ये दही वाले चावल जो होते हैं ना, हमारे तरफ इसको घुड़जाऊर बोला जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसके साथ तो कोई भी सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे गोभी और आलू का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब्जियां मेरी थोड़ी सी पक गई है तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। अभी टमाटर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बहुत महंगे हैं टमाटर। उसके बाद डाला है बस थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड इसको अच्छे से मिला के और फिर से ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। पहले ही टमाटर डाल देते हैं ना तो सब्जियों को पकने में टाइम लगता है, इसलिए बाद में डालें जब सब्जियाँ आधी पक जाए। तो बस थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और गरम मसाला। बस हमारी सब्ज़ी कंप्लीट। बस धनिया पत्ता और गरम मसाला डाल के इसको मैं थोड़ी देर गैस का फ्लेम हाई करके और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इस पर थोड़ी सी ना रेड सी कोटिंग आ जाए। तो एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई करके इसको भून लेंगे एंड हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो देखिए बन के तैयार है, कितनी फटाफट से बन गई ना। ये रोटी और पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पर मेरा आज रोटी वोटी कुछ खाने का मन नहीं था इसलिए मैंने बनाया। हे भगवान, हमारे तरफ बारिश हो रही है। तो बस दही वाले चावल बनाने के लिए इसमें डालेंगे, कुकर चढ़ाया है एंड उसमें डाला है 2 गिलास पानी भर भर के, बड़े वाले गिलास से। तो ये मैं ओपन लीड के साथ बना रही हूँ, आप सीटी लगा के भी बना सकते हैं, पर सीटी लगाने में ना क्या होता है कभी कभी ना दही फट जाता है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो पानी में जब बॉयल आ गया है तो मैंने उसमें चावलों को जो वॉश करके रखा था वो डाल दिया था। अब हम चावलों को ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके, ताकि हमारे चावल ना 70-80% तक पक जाए। तो देखिए चावल अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से नहीं मतलब आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब मैंने दही को अच्छे से फेंट के रखा है, वो इसमें मिलाएंगे। दही थोड़ी खट्टी होती है ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है, जिसको खट्टा पसंद है। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो फिर आप नॉर्मल दही का भी बना सकते हैं। तो बस दही मैंने मिला दिया है इसमें, गैस को एकदम लो पे रख के ही दही मिलाएं तो दही फट सकता है। बस दही मिला के अब इसको मिलाते रहेंगे अच्छे से, जब तक एक बॉयल ना आ जाए तब तक चलाते रहिए। देखिए एक बॉयल आ गया है। अब जो चावल बचे कुचे हैं ना, थोड़े से जो और पकने हैं उसको हम और ढक के पका लेंगे अच्छे से। ये जैसे हम खीर वगैरह बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाना है, थोड़ा सा ढीला ढीला, बहुत गाढ़ा करके नहीं बनाना है क्योंकि थोड़ी देर रहने के बाद ना खुद ही गाढ़ा हो जाता है। तो बस लास्ट में चावल पक गए, उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया है एंड बस हमारा दही वाले चावल बन के तैयार है। अगर अच्छे लगे, आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।